बिहार विधानसभा में शराब पीने पर पूरे परिवार को जेल भेजने का कानून पारित कर दिया गया। विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी ने इस बिल पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन वोटिंग के दौरान सरकार की ताकत के आगे बीजेपी का विरोध नहीं टिक पाया। बिहार में शराबबंदी कानून और कड़ा कर दिया गया है। बीजेपी के विरोध और हंगामे के बावजूद बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन बिल को पारित कर दिया गया। बीजेपी ने प्रस्ताव रखा कि इस बिल को 31 जनवरी तक जनमत संग्रह के लिए रखा जाए, जिसके बाद विधानसभा में वोटिंग करानी पड़ी। बीजेपी के प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 46 वोट पड़े, जबकि सरकार के पक्ष में 153 वोट पड़े। 4 महीना बीता है और इस बीच का जो अनुभव आया इसको लागू करने में, जो पहले का विधेयक है उसमें कुछ संशोधन किए गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो संशोधन करके दंड के जो प्रावधान थे वो दंड के प्रावधान वही, बल्कि इसमें कुछ दंड के प्रावधान कम किए गए। शराब पीने वालों पर नया कानून बेहद सख्त है। नए कानून के तहत अगर कोई शख्स शराब पीता पाया गया या किसी के पास शराब पाई गई या फिर शराब बेचता मिला तो उस परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को कसूरवार माना जाएगा। शराब पीने या बेचने वाले की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। हालांकि विपक्ष के विरोध और सहयोगी लालू प्रसाद यादव के दबाव के चलते नीतीश ने ताड़ी को शराब की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, यानी अब ताड़ी पीना और ताड़ी का कारोबार अवैध नहीं होगा। बीजेपी ने शराबबंदी पर नए कानून को नीतीश कुमार का तुगलकी फरमान करार दिया है। लेकिन इस तरह से ड्रैकोनियन लॉ बनाना, आज जो घर में है तो सबको भी कर दे, उसकी वाइफ के पास अगर मिल जाए तो उसमें सबको कर दे, ये सब एकदम गलत चीज है। ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। बिहार में करने को बहुत कुछ है, वोट वाला लेकर के कि औरत लोग थोड़ा खुश होगी इससे और वोट मिलेगा, इसे करना उचित नहीं है, एकदम उचित नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो ये कानून बनाते बनाते नीतीश कुमार हास्य का विषय बन जाए। जो डिज्नीलैंड कहते थे आजकल बिहार में लोग निकूलैंड कहते हैं, पता नहीं ये कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो सरकार को स्वयं तय करना है। साफ है बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बेहद सख्त हैं। विपक्ष भले ही शराबबंदी पर कानून में संशोधन को तालिबानी करार दे रहा हो, लेकिन नीतीश शराबबंदी को तोड़ने वालों को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग शराब माफिया की बोली बोल रहे हैं। और ये जो बोली जो बीजेपी के नेता जो बोल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये शराब माफियाओं की बोली को ये बोलने का काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से इन लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया है, हम लोग उसी समुदाय की नहीं, जो भी समुदाय के लोग या जो भी लोग ताड़ी उतारने का काम करते हैं, हम उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य को हम लोग बेहतर बनाना चाहते हैं।